अच्छा ये पहले ना मेरे को दो तीन वर्ड्स का जरा मतलब समझाओ, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एक लीज और दूसरा लीव एंड लाइसेंस। फॉरगेट लीव एंड लाइसेंस, सिर्फ लाइसेंस। ये हम लोगों ने दोनों पढ़े हैं, आपने लीज के बारे में पढ़ा है, लाइसेंस के बारे में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा है ना। अच्छा, व्हेन यू से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा है, मतलब हम लोग स्पेसिफिकली कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की कभी भी लीज नहीं होती है, ना ही लाइसेंसिंग होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है? प्लेज, है ना। सो बेसिकली या तो प्रॉपर्टी आप प्लेज करते हो, हाइपोथिकेट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक लीज या फिर लाइसेंस। हाँ जी, क्या होता है लीज, क्या होता है लाइसेंस, क्या होता है? लीज मतलब प्रॉपर्टी रेंट पर देना है। अच्छा ओके, व्हाट इज लाइसेंस? राइट टू यूज आपने ट्रांसफर कर दिया। और लीज में राइट टू यूज ट्रांसफर नहीं करते, उसमें भी करते हैं। अच्छा, एक में पोजेशन देते हैं। किस में पोजेशन देते हैं? लीज में पोजेशन देते हैं, और लाइसेंस में राइट टू यूज ट्रांसफर करते हैं बट पोजेशन नहीं देते हैं। तो किसको यूज करोगे? सो कंफ्यूज अबाउट लाइफ। लीज में पोजेशन ट्रांसफर करते कि नहीं करते? करते हैं। अच्छा, लाइसेंस में पोजेशन ट्रांसफर करते कि नहीं करते? करते हैं, दोनों में पोजेशन ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, किस में राइट टू यूज है, किस में राइट टू यूज नहीं है? दोनों में। तो भाई डिफरेंस क्या है? हाँ जी, किस में? एक पार्टी गवर्नमेंट हो सकती है, लीज गवर्नमेंट कर सकती है, तो फिर डिफरेंस क्या है? कोल माइंस का आपने सुना होगा, गवर्नमेंट लीज पे देती है, 99 इयर्स की लीज पे, 999 इयर्स की लीज पे रहती है। हाँ जी, हाँ डिफरेंस क्या है? लीव इज ओनली सर्टेन राइट्स आर ट्रांसफर्ड, लाइसेंस में एवरीथिंग इज ट्रांसफर्ड। दिल कलेजा सब निकाल के दे दिया। नहीं, लाइसेंस में जो बेनिफिट होता है अपने पास रखते हैं। हाँ, बहुत स्पेसिफिक बात बता रहा है, मतलब तो बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं। वो माइंस पे आता हूँ मैं। खैर, और डन, सुनना। अच्छा, क्या होता है लीज, क्या होता है लाइसेंस, क्या होता है? और परहैप्स आप एक, चलो ठीक है, खैर लीज से ही स्टार्ट करना। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लैंड है, आपको क्या करना है कि आपके पास ज़मीन बहुत है लेकिन आपके पास कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैरी आउट करने का स्कोप नहीं है। मतलब मे भी हो सकता है देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, मे भी हो सकता है कोई और दूसरे लिमिटेशन हो, और यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो आपने क्या किया, वो ज़मीन किसी दूसरी पार्टी को लीज पर दे दी, है ना। उसको लीज पर दी, उसको बोला कि भाई तू ये प्रॉपर्टी यूज़ कर, और इससे जो भी बेनिफिट्स आते हैं उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपने लेट से रेशियो डिसाइड कर लिया कि भाई ये पर्टिकुलर परसेंटेज तो मेरे को वापस करना, राइट। आपने उसे प्रॉपर्टी लीज पर दे दी। दूसरा, आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्लैट है आपका, राइट, आप फ्लैट यूज़ नहीं कर रहे हो, आपको उसे रेंट पर देना है, आपने एक लीज डीड बनाई और उसे प्रॉपर्टी आपने रेंट पर दे दी, राइट। कमर्शियल्स में आप यूजली देखते हो एक पर्टिकुलर टाइम पर लीज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता था, आज आप रेयरली देखोगे कि देर इज अ लीज डीड विच इज साइंड एंड एग्जीक्यूटेड। लीज डीड हम लोग मोस्टली कहाँ पर साइन करते हैं, जहाँ पर जितना आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इतना ही दूसरी पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मतलब दूसरी पार्टी के लिए भी इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वहाँ पर यूजली लीज चलता है आज की डेट में। अदरवाइज जहाँ पर सिर्फ सिंगल पार्टी बेनिफिट है, अब जैसे मान लीजिए आपने फ्लैट लिया, सपोज मेरा फ्लैट है, आपने रेंट पे लिया, है ना, तो यहाँ पर बेनिफिट कमर्शियल टर्म्स में, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सिर्फ किसको मिल रहा है? मुझे मिल रहा है। आपको कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, तो इनफैक्ट पैसा देना है। अच्छा, जो हम लोग माइनिंग की बात करते हैं, राइट, उसमें यूजुअली लीज कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज मैं सरकार हूँ, मैंने एज गवर्नमेंट मैंने आपको कुछ ज़मीन दे दी और मैंने बोला कि भाई यहाँ से जितना भी स्टील या आयरन ओर आप एक्सट्रैक्ट करते हो वो सब आपका है, उसके ऊपर पूरा बेनिफिट आपका है। तो इसमें क्या होता है, आपकी तरफ से कुछ पैसा लगाओगे, आपकी तरफ से काफ़ी सारा R&D करोगे, आप एक्सट्रैक्ट करोगे जो भी आयन और आपको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर आप उसे कन्वर्ट करते हो, मतलब आपका एक सब्सटेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको 10 साल की लीज पर दे रहा हूँ,
मैंने एक साल के बाद लीज टर्मिनेट कर दी, राइट। अब दिक्कत क्या होती है, आपको जितना पैसा लगाना है आप ऑलरेडी लगा चुके हो और मैंने साल भर के बाद लीज टर्मिनेट कर दी, तो उस केस में दूसरी पार्टी को क्या लगता है कि यार आपने जितना खर्चा किया वो आपने 10 साल का सोचकर खर्चा किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक साल में ही लीज यहाँ पर कैंसिल कर ली, रिवोक कर ली, तो उसमें आपका नुकसान होता है। तो उस केस में दूसरी पार्टी क्या चाहती है ना कि भाई जब भी आप मुझे इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ करो, एक अश्योरेंस मेरे साइड भी होना चाहिए कि बिना मेरी इच्छा की, बिना मेरी परमिशन के आप इस अग्रीमेंट को, डॉक्यूमेंट को आप रिवोक नहीं कर सकते अनटिल अनलेस मैंने कोई डिफॉल्ट किया, राइट। तो ये एक आस्पेक्ट था, राइट, कि जहां पर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की, मैं ओनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, है ना। अच्छा, अब वही चीज़ आप फ्लैट के केस में देखना, है ना, ये मैंने आपको एक माइंड वाला एक आस्पेक्ट दिया, अब फ्लैट वाला पार्ट समझना। उसमें आपकी जेब से कुछ पैसा लग रहा है? नहीं। मैंने आपके अग्रीमेंट में क्लियरली लिख के दिया था भाई फ्लैट जिस कंडीशन में एज एन इज उसी कंडीशन में रहेगा, आप उसके अंदर कोई मटेरियल चेंजेस, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए परमिशन आपको मेरी लेनी पड़ेगी, राइट। विच मीन्स आपने कोई बहुत सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया होगा उसके अंदर, किया है तो छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस विच आर एसेंशियल फॉर यू टू लिव इन दैट पर्टिकुलर फ्लैट, शायद इतने माइनर चेंजेस आपने प्रॉब्ली किए हो, राइट। तो यहाँ पर क्या होता था, जैसे पुराने ज़माने में, इनफैक्ट आप आज से 25-30 साल पहले भी बात करते ना, तो लीज वॉज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, इंडिया में बहुत कॉमनली चलता था, क्यों, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। अब आपने ना बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सुना होगा जो पुरानी लीज डीड थी, उसका रेंट आज जो ओनर है उसको 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये रेंट आ रहा है, कमर्शियल शॉप है जिसका एरिया मान लो 800,000 स्क्वायर फीट है और रेंट कितना आ रहा है, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। पुणे में आपको ऐसी भर भर के प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी जो डिस्प्यूट में। अब ये क्यों होता है, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने क्या किया, जो ओनर्स थे इन्होंने लीज बनाई, उस वक्त उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि ठीक है यार प्रॉपर्टी मेरे पास है, सामने वाला यूज़ कर रहा है, इतना उन्होंने परवाह ही नहीं की, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे दे वॉन्टेड टू गेट द एविक्शन डन, राइट, दे वॉन्टेड द प्रॉपर्टी टू बी वेकेटेड, बट जो लेसी था जिसने प्रॉपर्टी लीज पर ली उसने प्रॉपर्टी छोड़ने से मना कर दिया, कोर्ट में केस चल रहा था और वो केस चले आ रहा है 10-15 सालों से, और नॉर्मली क्या होता है 5% इंक्रीमेंट होता है कमर्शियल पे, रेजिडेंशियल पे 10% हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। अब वो एक ज़माने में 10 पैसा रेंट था, अब वो 10 पैसे पे हर साल 5-5% का इंक्रीमेंट हुआ, वो 15-20 साल में बढ़ बढ़ के आज वो रेंट 2 रुपये का हो गया। तो आज भी 2 रुपये मंथली रेंटल पे प्रॉपर्टीज़ चल रही है, बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ चल रही है, और ये सब होता है लीज़ के केस में। और लीज़ के केस में क्यों होता है, क्योंकि लीज़ के केस में आप प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी का पोजेशन डेफिनेटली ट्रांसफर करते हो, लेकिन पोजेशन के साथ आप एडिशनली क्या ट्रांसफर कर देते हो, प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट। मैंने से प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मतलब इन शॉर्ट अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी दी है, राइट, और अगर मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी वेकेट हो जाए, कल से आप उसे एविक्ट करो, तो एविक्शन के पहले मुझे आपसे परमिशन चाहिए, मतलब वो आपके कंसेंट से ही हो सकता है, आपके कंसेंट के बिना नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, ये हम लोग जिस भी चीज़ की बात करें ना, ये सब सिविल मैटर्स हैं। सिविल मैटर्स आप प्रॉपर्टी एविक्शन के एक बार किसी कोर्ट में जाना और पूछना कि कितने केसेस पेंडिंग है, यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज टू सी द नंबर्स। मैक्सिमम रिकवरी सूट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा रिकवर करने वाले सूट्स होते हैं, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट एविक्शन के सूट्स आपको कोर्ट में मिलेंगे, मतलब भर तल्ले भर भर के केसेस रखे हुए हैं, सालों सालों से चले आ रहे हैं और जजमेंट आते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ओनर का साइड एनीवे बहुत स्ट्रांग होता है, बट क्या होता था, जैसे मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, लीज में दूसरी पार्टी क्या कर देती है, खर्चा कर देती है काफ़ी कुछ, तो जब वो कोर्ट में जाते हैं ना मैटर्स, तो कोर्ट में वो क्या एस्टैब्लिश कर देते हैं कि यार मैंने साहब इस शॉप पे इतना खर्चा किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, मेरी पूरी शॉप सेट हो गई है, अब मेरा जो घर परिवार चल रहा है शॉप की वजह से चल रहा है, तो आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। हम लोग की मतलब एंसेस्टर प्रॉपर्टी, दादाजी ने उस ज़माने में कोई शॉप, उन्होंने मेरे घर से लगी हुई ऐसे 2 और श�प्स लीज पे दी, उसका 1 रुपये रेंट आता था हमको महीने का। अब 1 रुपये का रेंट कौन लेता है यार, मतलब आपको लेने में भी शर्म आएगी, लेकिन लेना चाहिए एक्चुअली में। दिक्कत क्या होती है, जब आप रेंट लेते हो ना 1 रुपये का, तो आपकी बुक्स में एंट्री दिखती है कि देर इज़ स्टिल कंटिन्यूटी इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। जहाँ पे आपने रेंट लेना बंद कर दिया ना, वहाँ पर क्या होता है, देर इज़ अ कंप्लीट हॉल्ट। कोर्ट क्या मतलब सामने वाली पार्टी क्या प्रूव करती है कि हमारे बीच का जो लीज कॉन्ट्रैक्ट था वो कब का खत्म हो गया, इन्होंने हमको प्रॉपर्टी बेची दी है, राइट, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई और ये पुराने कुछ बता देते कि भाई ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, और ऐसे ऐसे करके पूरी प्रॉपर्टी आपसे खा जाते हैं। अच्छा, इंडिया में लॉ है 7 साल तक प्रॉपर्टी का पोजेशन अगर आपके पास है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी हॉल्ट, उसकी ओनरशिप दूसरी पार्टी क्लेम कर सकती है, लेसी बेसिकली प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्लेम कर सकता है। तो ना
वो एक एक रुपए का रेंट आता। वी वेंट टू द कोर्ट, जी फाइल्ड अ सूट ना। अब दिक्कत समझना इन सब चीज़ों में क्या होती है। माय दादाजी फॉट पहले, आफ्टर इज डेट माय फादर फॉट फॉर दैट पर्टिकुलर केस। एंड ऑफ इट कोर्ट से समझ में आ गया कोई मतलब सोल्यूशन निकलना नहीं है, वो मैटर इसी तरीके से चलता रहेगा। फिर दूसरे जितने तरीके होते हैं तंते बनते, जो भाई लोग भेज के या और कुछ सेटलमेंट करा के किसी थर्ड पार्टी को बिठा के जो करना था कर लिया, फाइनली प्रॉपर्टी खाली हुई, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से नहीं हुई। कोर्ट का ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आ गया। जजमेंट क्या आया, उन्होंने क्या बोला कि भाई कोर्ट क्या आइडेंटिफाई करता है कि मुझे एज एन ओनर उस प्रॉपर्टी की कितनी ज़रूरत है और लेसी को एज अ लेसी उस प्रॉपर्टी की कितनी ज़रूरत है, एज अ टेनेंट उसको कितनी ज़रूरत है। कोर्ट ये जज करता है कि अगर दूसरी पार्टी की नीड ज़्यादा है, राइट, इसकी वजह से उसने परमिशन नहीं दी, उसने अपना कंसेंट नहीं दिया प्रॉपर्टी खाली करने में, आप प्रॉपर्टी खाली नहीं करवा सकते हो, और कोर्ट क्लियर ऑर्डर दे रहा। अच्छा, दूसरा रिसॉर्ट क्या रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस आ रहे हैं, आप जाओ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अब आप केस फाइल करने जाओगे तो कोर्ट बोलता है आपको डिपॉजिट रखना है, 50% पैसा आपसे डिपॉजिट के फॉर्म में रखता है, तो जो भी कंसिडरेशन अमाउंट है उसका 50% आपको वापस से डिपॉजिट के फॉर्म में रखना है। पहले 5 साल झगड़ा, फिर हाई कोर्ट में वापस से 5 साल झगड़ू, मैं इतने लीगल एक्सपेंसेस जो जो करना है वो करूँ, और केस आ रहा है इसकी वजह से डिपॉजिट भी मुझे ही रखना है। इंसान क्या बोलता है, भाड़ में जाए, मेरे को करना ही नहीं है। और कोर्ट की हियरिंग्स और जो प्रोसीडिंग्स होती है ना, दैट्स लाइक स्लो पॉइजन, वो आपको अंदर 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 इतना किल करती है ना, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपने को ऐसा लगता है साला अपना राइट है, अपनी प्रॉपर्टी अपन लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये लीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लीज में क्या होता है, अलॉन्ग विद द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट भी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर देते हो, राइट। अच्छा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग और द प्रॉपर्टी ओनर स्टार्टेड रियलाइजिंग कि लीज हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है, तो लोगों ने लाइसेंस डीड बनाना स्टार्ट कर दी, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लीव एंड लाइसेंस का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पर आया। एंड आज हाउ मेनी इफ यू स्टे इन दिस थिंग रेंटेड प्रीमाइसिस, फ्लैट वगैरह में आप रहते हैं, जो आप देखना आपके वो सब लीव एंड लाइसेंस होंगे, राइट। आज किसी की भी लीज डीड नहीं होगी, सबके लीव एंड लाइसेंस होंगे। तो लीव एंड लाइसेंस में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करते हो, राइट। अब जब आपने प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया, मतलब वेन एवर आई हैव टू गेट द एविक्शन डन, जब मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी मुझे खाली करानी, मुझे आपको नोटिस देना है। से सपोज आपके अग्रीमेंट में लिखा है 60 डेज का नोटिस, मैं आपको नोटिस दूंगा 60 डेज का, अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं खाली की, आप सीधे कोर्ट में चले जाओ, राइट। अच्छा, दिक्कत सी लाइसेंस में भी इतनी है, ऐसा नहीं कि लाइसेंस ईजी हो गया, लाइसेंस भी कमर्शियल ही था, राइट, मतलब ये भी सिविल मैटर ही था आपका, उसमें भी इतना ही टाइम लगना है। बस लीज में लेसी का राइट बहुत स्ट्रांग होता है, लाइसेंस के केस में लाइसेंसर का राइट बहुत स्ट्रांग होता है। लाइसेंस मतलब क्या होता है कि मैंने आपको कोई पर्टिकुलर एक्ट करने की परमिशन दी है, दैट इज़ लाइसेंस। मतलब प्रॉपर्टी की ओनरशिप मेरे पास, प्रॉपर्टी का पोजेशन भी मेरे पास है, मैंने प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया है, राइट, लेकिन उसका जो लॉफुल राइट है वो आज भी मेरे पास है। मैंने आपको राइट नहीं दिया है, वो मैंने आपको सिर्फ एक्सेस दिया है कि आप मेरी प्रॉपर्टी यूज़ करो, और जिस दिन मैं बोलूँ उस दिन आपको वापस से छोड़ के जाना है, राइट। तो लाइसेंस में बस आपने क्या किया, प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर करना बंद कर दिया, विच वॉज एक्चुअली द कर्स इन केस ऑफ लीज। तो अगर आप लीज और लीव इन लाइसेंस में डिफरेंस देखें, तो लीज में क्या होता है, इन दिस केस अलॉन्ग विद द पोजेशन यू आर ऑल्सो ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विज़-विज़ लाइसेंस के केस में इंटरेस्ट इज नॉट ट्रांसफर्ड, है ना, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, पोजेशन ट्रांसफर करते हैं। माइंड वेला, ये लीव एंड लाइसेंस में भी प्रॉपर्टी अवेक कराना मुश्किल है, इसमें भी आसान नहीं है, बस डिफरेंस ये कि आपका थोड़ा सा अपर हैंड होता है इन सारे मैटर्स में, ओनर का राइट स्ट्रांग होता है। अच्छा, दोनों केसेस में पार्टी सेम, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी, यहाँ पर उसी हम लोग बोलते हैं लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। लाइसेंसर ओनर, है ना, ट्रांसफरर, लाइसेंसी ट्रांसफरी और द टेनेंट। हाँ जी, कौन क्या पे करता है यहाँ पर, लाइसेंसी और द लेसी विल पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द लाइसेंसर विच इज कॉल्ड एज रेंट, है ना। अब रेंट आपका मंथली बेसिस पे हो सकता है, एनुअल बेसिस पे हो सकता है, क्वार्टरली हाफ ईयरली बेसिस, कैसे भी, जैसे आप चाहें।
हाँ जी, सो क्या लीज और लीविंग लाइसेंस में क्या डिफरेंस है? मेन इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना, कहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं? लीज में आप प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर देते हैं, विज विज द सेम थिंग डजेंट हैपन इन केस ऑफ लीविंग लाइसेंस। अच्छा, अग्रीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, दोनों ड्राफ्ट बिल्कुल सेम है ना। एक अभी हम लोग क्लास में बनाएंगे, एक मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो पोजेशन वाला क्लॉज रहेगा आपका अग्रीमेंट में, उसमें लीज में अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, लीव एंड लाइसेंस में 100% वो सब पार्ट नहीं रहेगा, राइट। बस ये इतना ही डिफरेंस है, बाकी 100% आपका कंटेंट 100% इसका सेम ही रहेगा, है ना। चलिए अब छोटी जगह पे इनफैक्ट आप आज भी देखोगे ना, आज भी लीज एक्चुअली में चलती है। जैसे एमपी साइड अभी भी कुछ केसेस में, खैर आपका एडवोकेट अच्छा होना तो डेफिनेटली आपको सजेस्ट कर देगा, नहीं तो आज भी इतनी एक्चुअली में अवेयरनेस कॉन्शियसनेस इंडिया में है नहीं। तो जिनको नहीं पता वो आज भी लीज डीड बनाते हैं, जो थोड़े से समझते जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में वो लीव एंड लाइसेंस बनाते हैं। बट दोनों में प्रॉब्लम सेम ही है एक्चुअली में। अब खैर अपना जुडिशियल सिस्टम मैं नहीं बोलता कि वीक है इन टर्म्स ऑफ पासिंग जजमेंट्स, बट इट इज़ बर्डनड, इट इज़ सर्टनली बर्डनड, जिसकी वजह से ना डिसीजंस टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट थॉट कम्स दैट द जुडिशरी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं कि जुडिशरी स्ट्रॉन्ग नहीं, जुडिशरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस दिक्कत यह है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमारे यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो जाए ना कि इस तरीके के जो सिविल मैटर, ऑफकोर्स वी हैव स्मॉल कॉजेस कोर्ट, बट स्मॉल कॉजेस कोर्ट का लिमिटेशन क्या आ जाता है कि बहुत ही छोटे मैटर्स को कंसिडर, 20,000 वाले मैटर्स कंसिडर करती, तो वो दिक्कत है। 20,000 वाले मैटर्स मतलब पेनी मैटर्स हो गए आज की डेट में। तो इसके लिए सच में एक सेपरेट ट्रिब्यूनल की ज़रूरत है, विच विल ओनली डील विथ सच काइंड ऑफ सिविल कमर्शियल मैटर्स, यू नो, जहाँ पे आपके प्रॉपर्टी वाले मैटर्स होते हैं। और ये भर भर के हैं, भर भर के हैं। आप मतलब ऐसे देखोगे ना, अब जैसे अभी अपने जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें मैं आपका एमनोरा है, देन आपका नांदेड़ सिटी है, उसके बाद मगरपट्टा है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी आप टाउनशिप्स देखोगे ना, 500 एकड़, 700 एकड़, 800 एकड़, अब 700 एकड़ और 800 एकड़ का रेट समझना क्या होगा। मतलब उस साइड आप देखते हो तो ज़मीन का मैं बोल रहा हूँ, मैं फ्लैट व्लैट का नहीं बोल रहा हूँ, फ्लैट का ऑफकोर्स काफ़ी कम होता है, 20-22-25,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है ज़मीन का, और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 700 एकड़ की बात कर रहे हैं। 1 acre हैज़ नियरली 43,000 स्क्वायर फीट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 700 एकर्स लैंड, राइट। तो वो मल्टीप्लाई करना आप नंबर्स कितने आएंगे, दैट्स द वैल्यू ऑफ द लैंड, राइट। अब इतनी प्राइस में अगर आप ज़मीन खरीदोगे, ये सिर्फ ज़मीन की कीमत है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग, आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेसिक मानना, मतलब जो बेसिक डेवलपमेंट कॉस्ट में आपको बता रहा हूँ, एक एवरेज क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन आपने किया करीब करीब 1200 रुपये स्क्वायर फीट, ये जाना ही जाना है। उसके बाद अगर आप इंटीरियर्स का देखते हो कि सपोज आपने रेडी फ्लैट्स आपने सेल किए हैं, तो 1400 से 1500 रुपये स्क्वायर फीट गुड इंटीरियर्स, ये आपके स्क्वायर फीट की कॉस्ट है। तो आप इमेजिन करना कि आपका प्रोजेक्ट कितने का पड़ेगा। अच्छा, इट वुड टेक सम टाइम ऑब्वियसली, आप इतनी बड़ी 700 एकड़ की टाउनशिप बना रहे हो, मतलब वो बनते बनते कम से कम 7-8 साल हो जाएंगे। तो 7-8 साल आपको सिर्फ पैसा डालना है, आपके पास पैसा आने ही नहीं वाला है, राइट। एंड गिवन दिस रेरा थिंग एंड ऑल, वो जब तक रेडी पोजेशन में नहीं आता वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो वो बिल्डर की हालत सोचना कि कभी इस तरीके की टाउनशिप बना पाएगा, क्योंकि इतने कैश फ्लो पे तो आज कोई भी नहीं बैठा हुआ है, राइट। तो अभी जो हाल फिलहाल में मॉडल चल रहा है, अभी लोग क्या करते हैं ना, दे डू अ जेवी, जो भी आपके फ्लैट ओनर्स हैं उनके साथ जेवी कर लेते हैं, भाई तेरी ज़मीन है, मैं तेरे को उस पर्टिकुलर एरिया को पूरा डेवलप करके देता हूँ। और ऑब्वियसली डेवलप होता है तो रेट बढ़ता है, उसमें आप एक पर्टिकुलर एरिया जो ओनर है उसको आप अलॉकेट कर देते हो, मैं तेरे को घर बना के दे दूँगा, बंगलो बना के दे दूँगा, और बाकी तो ज़मीन मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दे, और शेयरिंग कर लेते हैं कि जो भी हम लोग बनाएंगे उससे जो भी इनकम आती है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज तू रखेगा, पर्टिकुलर परसेंटेज मैं रखूँगा। तो बिल्डर के लिए क्या हो गया, बिल्डर के लिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसके लिए कॉस्ट बन गई है, बाकी ज़मीन की उसके लिए कॉस्ट ही नहीं है। और सबसे महंगी चीज़ ज़मीन ही है अल्टीमेटली, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत सेकेंडरी हो जाती है। तो ये मॉडल चल रहा है। अब ये जब मॉडल आपने अडॉप्ट किए, ये सब लीज पे, इसमें हम लोग ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते, तो उसमें क्या होता है कि जो ओनर है वो बिल्डर के नाम पे एक बड़ी लीज कर देता है। उसने सपोज़ 1000 ईयर्स की लीज कर दी, 999 चलता है अपने यहाँ पे ऐसे, 999 ईयर्स की लीज। अब 999 ईयर्स की लीज मतलब पता नहीं कितनी जनरेशन हो गई है, वो आपके एज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, बट 15-16 जनरेशन हो गई। विल यू रियली थिंक अबाउट द जनरेशन विच विल कम आफ्टर 15 प्रोग्रेशंस? आप सोचोगे कि आई डोंट नो वो कौन सा एंगल होता है,
पोते के पोते के पता नहीं क्या वो कौन से वो उस पे चले जाओगे आप, इतना आगे का मुझे नहीं लगता कि कोई सोचने वाला है कि उस दिन क्या होगा जब ये लीज खत्म हो जाएगी। वो लोग सोचेंगे ना बेचारा अपना आज का लुकआउट अपने को आज के ठिकाने नहीं है, और अपन लोग पता नहीं कौन सी जनरेशन की बातें कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं। तो आजकल ये सब जितने भी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं ना 99 ईयर्स की लीज पे चलते हैं। गवर्नमेंट जब आपको राइट्स देती है, जो ज़मीन गवर्नमेंट की होती है वहाँ पर आप किसी भी तरीके का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो या कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, वो सब लॉन्ग लीज पे होते हैं। और ये लॉन्ग लीज मतलब 99 ईयर्स की लीज एंड 1000 ईयर्स की लीज, इस तरीके की लीज पे बनता है। देखते हैं ज़रा लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट देखते हैं। हाँ, सिनॉप्सिस बना ले पहले, बोलो क्या क्या लिखना है सिनॉप्सिस में। क्या पार्टीज कौन सी है? ये सिनॉप्सिस वाला पार्ट रफ है। हाँ, कौन सी पार्टीज रहेगी? लाइसेंसर और लाइसेंसी। चलो रिसाइटल्स क्या लिखोगे? ये रफ है, ये जितना शॉर्ट में लिखोगे इतना आपके लिए अच्छा है, यू विल सेव मोर ऑन टाइम। बोलो क्या लिखे रिसाइटल्स में? अच्छा रिसाइटल्स में क्या लिखते, क्या हुआ? अरे कंटेंट नहीं पूछ रहा हूं रे। हाँ, वट हैज हैपन टिल डेट है ना, वो सब लोग कहाँ लिखते हैं? रिसाइटल्स में लिखते हैं। जी, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पहले। अच्छा, आप रैंडम बता रहे हो, बाद में नंबर ऐसा करेंगे? रिसाइटल्स में मत करना, वैसा बॉडी में ही करना है। इसमें तो एक नॉर्मल फ्लो से जाने दो आप, तीन चार चीज़ें हैं जो मेजरली आपको लिखनी। हाँ, सबसे पहले आप पार्टीज को डिफाइन कर दीजिए, से डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, ठीक है? और अच्छा ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ओके जी। रेंट मैम बॉडी में लिख देंगे, रिसाइटल्स में ज़रूरत नहीं इतना लिखने की। हाँ जी, और अच्छा ठीक है, मतलब उसी फ्लो में लिखना है कि लेसर है, उसने पेपर में ऐड दिया, उसके बेसिस पे लेसी ने अप्रोच किया एंड निगोशिएट किया है, डील हो गई, ओके ठीक है। सो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, ये सेम लास्ट ड्राफ्ट के बेसिस पे आप लिख रहे हैं, उसके बेसिस पर लाइसेंसी अप्रोच्ड निगोशिएट किया दोनों ने एनहेंस दिस अग्रीमेंट। डन। चलिए अब बोलो क्या लिखें, बॉडी में क्या लिखना है, कौन कौन से क्लॉजेस आएंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, और कंसिडरेशन, ओके इतना छोटा तो नहीं है। अच्छा टेन्योर, ठीक है, और डिफॉल्ट डिस्प्यूट चार्जेस, ठीक है, सर इंक्रीमेंट का भी डाल सकते हैं, जैसे कि जो रेंट से उतना रेंट आएगा वो
consideration. Again, वही आपकी choice है. Make it simple, make it complicated. और आधा हुआ है. अरे हमेशा ये सोचना कि आप आपकी प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हो. अब क्या क्या लिखोगे आप अग्रीमेंट के अंदर? पोजेशन. और टाइटल. टाइटल थोड़ी ना ट्रांसफर कर रहे हैं, टाइटल तो आपके पास ही रहेगा ना. हाँ और बोलो और क्या लिखना. डन, बस इतना ही. ओके पोजीशन लिख दिया ना आपने. इसके अंदर लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, दैट्स ऑल. टेन्योर आ गया, कंसीडरेशन आ गया, क्वेश्चन चार्जेस आ गए, पोजीशन आ गया. ठीक है. अच्छा, एक बार आपने सारे हेड्स लिख लिए, उसके बाद फिर इसको आप नंबर्स दे दीजिए आप, है ना. सो 1, 2, 3, 4. सब लीज इसमें ही लिख दोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस में ही? ये रफ वाला पार्ट है, ये आप ड्राफ्ट के साथ मत लिखिए. मतलब आपके नोट्स में लिखा ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना इसको. हाँ डन, जितने लिखे हैं आप पर कैसी बातें कर रहे हैं भाई. हाँ ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसका आंसर, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आंसर पूरा लिखना है आधा लिखना है? सर सेम ड्राफ्ट तो पूरा ही लिखना पड़ेगा ना भाई. है ना, चलो क्या बनाओगे ड्राफ्ट? अच्छा एक काम करो, चलो थोड़ा 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 मैं आपको वैसे कराते हैं. टाइटल डालो फटाफट, लिखो सेंटर में, लिखो लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट. लिखा? नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़ के लिखना. दिस अग्रीमेंट ऑफ लीव एंड लाइसेंस, दिस अग्रीमेंट ऑफ लीव एंड लाइसेंस is executed on date, डाल लो, executed on date at place maybe at Pune. done, एक line छोड़ के सेंटर में कैपिटल लेटर्स में बाय एंड बिटवीन, बाय एंड बिटवीन. या फिर एक लाइन छोड़ के नीचे, अब नॉर्मल लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए. दोनों पार्टीज को आप डिस्क्राइब कर लो जरा, है ना, जैसे आपने लास्ट ड्राफ्ट में लिखा था सेम वैसे ही. दोनों इंडिविजुअल्स ही लेना, अभी कंपनी वगैरह मत लो कुछ भी.
जब लिख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा कोशिश करना याद करने की, है ना, हो जाएगा. ऐसे 5-7 लिखोगे तो याद हो जाएगा सब कुछ. हाँ, कैसे डिफाइन करोगे? लाइसेंसर, लाइसेंसी एंड पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट. ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. डन है ना. सो दोनों पार्टीज को डिफाइन कर लिया. पहला लाइसेंसर, पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट. दूसरा लाइसेंसी, पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट. चलो एक लाइन छोड़ना, रिसाइटल्स स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्लास सेम वैसे लिखोगे, वेरैज और फर्स्ट पार्टी को डिफाइन कर लीजिए. क्या ए बी कैसे डिफाइन किया आपने, मतलब कैसे लिखा ए बी ना, बस ठीक है. वेरैज ए कॉमा एज डैश सन ऑफ डैश इज अ रेजिडेंट ऑफ डैश लेगा. फिर एक लाइन छोड़ के वापस से, एंड वेर एज बी कॉमा एज डैश सन ऑफ डैश इज अ रेजिडेंट ऑफ डैश. इसके बाद वापस एक लाइन छोड़ के, एंड वेर एज ए ओन्स अ प्रॉपर्टी, ए ओन्स अ प्रॉपर्टी
which is rightfully situated at dash, है ना, यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे. एंड वेर एज A was not in use of this property, and hence he decided to give this property on leave and license basis. And whereas A gave an advertisement in a leading newspaper, based upon which B approached A for obtaining the said property. And whereas the parties finalized the terms of license and hence this agreement. एक लाइन छोड़ के कैपिटल लेटर्स में लिखना. Now this agreement of leave and license witnesseth as under WITNESSETH witnesseth as under done. चलिए नीचे स्टार्ट करना. एक लाइन छोड़ के फर्स्ट पॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. अच्छा अब एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं पूरा क्या किस में लिखना है ना, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे कंटेंट प्लेस करेंगे. अच्छा डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसमें आप जैसे आपने सेल डीड में भी लिखा था प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, बंगलो है, विला है, ज़मीन है, जो भी है राइट, आपको जैसे लिखना हो. तो कौन सी प्रॉपर्टी है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, एरिया कितना है एंड इस सराउंडेड बाय है ना, वो उसके आसपास क्या है, पहला वो लिख दो. अच्छा फिर दूसरा कंसिडरेशन लिखेंगे. कंसिडरेशन में देखो दो चीज़ आएगी. सबसे पहले जब भी आप लीज पे लीव एंड लाइसेंस पे कोई चीज़ देते हो तो एक तो आपका डिपॉजिट हो गया और दूसरा आपका रेंट का अमाउंट हो गया है ना. सो पहला कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट कौन पे करेगा,
लाइसेंसी विल पे टू द लाइसेंसर एट द टाइम ऑफ दिस अग्रीमेंट, और दूसरा आपने एक फिक्स्ड रेंट आपने डिसाइड कर लिया कि इतना आपका रेंट रहेगा. अच्छा, रेंट की डेट लिख दो आप कि रेंट शैल बी पेड बाय से सेवेंथ डे और से टेंथ डे ऑफ एवरी सक्सीडिंग मंथ बाय वे ऑफ चेक. मतलब किस तरीके से आपको पे करना है और कौन सी डेट तक आप ये रेंट का अमाउंट पे कर दोगे, वो आपने उसमें स्पेसिफाई कर दिया. अच्छा, डिपॉजिट के बारे में लिख देना कि इट्स एन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट, वी शैल नॉट कैरी एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट शैल बी रीपेड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट. जब ये अग्रीमेंट खत्म होता है तब आप वापस से पूरा पैसा रिटर्न कर दोगे. ये आपने कंसिडरेशन के अंदर लिख दिया. अच्छा, टेन्योर, यूजली आप जितने भी ऐसे अग्रीमेंट्स देखते हो ना, आप 11 मंथ्स के अग्रीमेंट्स देखते हो, राइट? सो 11 मंथ्स का, और फिर हम लोग उसको आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो कर सकते हो. तो टेन्योर में ऐसे लिख दीजिए कि इट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ्स एंड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज इट कैन बी फर्दर रिन्यूड फॉर अनदर पीरियड ऑफ 11 मंथ्स, राइट? क्यों 11 मंथ्स? रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है, राइट? 12 एंड अबव रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन, बट एनी वे आप करवाते ही करवाते हो रजिस्ट्रेशन. तो अच्छा, टेन्योर हो गया, उसके बाद और क्या है? फोर्थ, पोजेशन. सो इसमें लिख दिए कि इट इज़ ओनली द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विच शैल बी ट्रांसफर्ड टू दिस थिंग द लाइसेंसी. एज सच नो ओनरशिप और टाइटल और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू हिम एंड ऑन रिवोकेशन और ऑन टर्मिनेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट द पोजेशन शैल बी रिटर्न बैक टू द लाइसेंसर, है ना? उसको वापस से कर दोगे. अच्छा, फोर्थ और क्या है? फिफ्थ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस. अब जैसे अगर सपोज आप फ्लैट के बारे में लिख रहे हो, राइट, तो कुछ बेसिक टर्म्स लिख देना. कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हो, राइट? अगर करना है तो उसके पहले आपको रिटर्न परमिशन लेनी है. सबलेट नहीं कर सकते हो, आप किसी और को कर सकते हो. अच्छा, उसके बाद जो भी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन है वो आपको हर पॉइंट पर फॉलो करना है. उसके अलावा एक नॉर्मल हाइजीनिक कंडीशन में आप प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखोगे, है ना? ये तीन चार बेसिक कंडीशंस आप इसके अंदर लिख देना. बहुत लंबी कहानी, आप पैसा बिल्कुल दिल पे ले लिया और दो पेज लिख दिया, मत करना ऐसी स्टूपिडिटी. बस अपने को स्ट्रक्चर बनाना है ना. इट इज़ अ स्पेसिमेन, माइंड वेल, है ना? तो ये ध्यान रखना, आपको बहुत बड़ा बड़ा कुछ नहीं लिखना, आपको बस एक टेम्पलेट बताना है कि ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है, ठीक है? चलो, और क्या उसके बाद? कॉस्ट एंड चार्जेस. अच्छा, अब इसमें क्या लिखोगे आप? जैसे सबसे पहले एक तो ये वाला आपका पार्ट हो गया कि जितने भी लीगल चार्जेस हैं, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैंप ड्यूटी है, that shall be borne by let's say the licensee or maybe half and half dono. Acha, jo bhi taxes ki liability, property tax wagera jo bhi pay karna hota hai aapko, municipal taxes hai, that shall always be of the licensor. Wo owner ka right, matlab yahan pe obligation hota hai, usse licensee ka such koi lena dena nahi hai, theek hai? Aur kya hai? Termination na. So termination matlab aap kab agreement khatam kar sakte ho. So dono parties ke paas option hai, to aap usme notice period likh dijiye ki say by serving a notice period of 60 odd days, either of the parties can terminate the agreement by serving notice to the other party, right? Termination ho gaya. Aur kya hai? Default, same. Acha, default kaun kar sakta hai yahan pe? Licensee. Licensor to kya default karega? Usne to property de di aapko. To agar usne rent mein kisi bhi tarike ka koi default kiya hai ya property mein koi bahut nuisance create kiya hai, to us case mein ek particular amount likh dena which shall be paid by the licensee to the licensor. एंड डिस्प्यूट ऑफ कोर्स सेम क्लॉज आप लिखना है, या तो आर्बिट्रेशन का लिखना है या कोर्ट का लिखना है. इस बार कोर्ट का लिख लेंगे, लास्ट टाइम आपने आर्बिट्रेशन का लिखा था. और लास्ट में बस वो साइनिंग वाला पार्ट है, सेम के सेम लिखना है ना. चलो, ये एक और लिखवा देता हूँ मैं आपको, है ना? उसके बाद फिर जो आप ड्राफ्ट बनाएंगे, आप कोशिश करते हैं आप थोड़ा थोड़ा लिखने की स्टार्ट करना, है ना? चलो लिखो. फर्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. That the property is a residential flat at measuring about 2000 square feet comprising of K
फोर बेडरूम हॉल किचन फोर बेडरूम वन हॉल एंड अ किचन एंड इज सिचुएटेड एट एंड इज सिचुएटेड एट डैश द प्रॉपर्टी सराउंडेड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सराउंडेड बाय द फॉलोइंग उसके नीचे लिख लीजिए towards north towards south towards east towards west dash dash करके छोड़ दो सेकेंड कंसल्टेशन दैट द लाइसेंसी अग्रीज टू Licensee agrees to pay a monthly rental of rupees 40,000 rupees 40,000 in bracket words mein likhna rupees 40,000 only to the licensor we'll stop the said amount shall be paid the said amount shall be paid by the seventh day of Seventh day of every succeeding month. Seventh day of every succeeding month. It shall, first of all, it shall be. Paid by way of deposit to licensor's bank account details of which are as follows Details of which RS follows and dash. Done? अच्छा पैराग्राफ चेंज करना पैराग्राफ कैसे चेंज करते हो अगर आपने यहां एक लाइन लिखी है ना यहाँ खत्म हुआ एक लाइन छोड़ना बीच में और यहीं से स्टार्ट करना वो यहाँ से स्टार्ट करते हो ना डोंट डू दैट है ना वो सब पुराना ज़माना था अभी नहीं करते सब चीज़ें तो स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट ठीक है जैसे नॉर्मल बस बीच में एक लाइन छोड़ देना विच इज़ एन इंडिकेशन दैट यू हैव चेंज द पैराग्राफ लिखो
that in addition to the above the licensee agrees to pay to the licensor refundable security deposit of rupees 2 lakhs in bracket rupees 2 lakhs only. Which shall be paid at the time of execution of this agreement. Third, tenure. That the said agreement shall be for a period of 11 months from the date of this agreement. First up, however, the said period may be further extended with the mutual consent of both the parties. Fourth, possession of the property. Likho. That the licensor agrees to transfer the possession of the property to the licensee on this present date. No title
और इंटरेस्ट इन द सेट प्रॉपर्टी इज नो टाइटल और इंटरेस्ट इन द सेट प्रॉपर्टी is transferred to the licensee. It's transferred to the licensee. The licensor further confirms that the property is free from any prior encumbrance. Free from any prior encumbrance. Next, terms and conditions. That the licensee agrees to the following. अब इसमें सब पॉइंट्स लिखना. ए ही शैल यूज द प्रॉपर्टी इन राइटफुल मैनर. And only for residential purpose. B. He shall obey. To all the society rules and regulations. C. He shall not make any material alterations. Without obtaining prior written consent of the licensor. Next, without prior written permission of the licensor, comma, the licensee shall not sublet the property to any third party. आपका नीलम सर बोले मेरे को. चलो मैं बात करता हूँ अभी सर से, एक दो मिनट है ना.
बोला हुआ है ना 11:30। चलो हाँ लिखो। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए ना आपके। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉस्ट एंड चार्जेस। कॉस्ट एंड चार्जेस दैट ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू That all the costs related to registration, stamp duty, and legal charges for creating the said license. For creating the said license shall be borne by the licensee. Shall be borne by the licensee. However, property tax over the said property. Property tax over the said property is to be borne by the licensor. बाकी कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।